हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंधित फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत, जो कि दोस्तों हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि 2023 के अंतर्गत आवेदन होना शुरू हो चुका है, कब से आवेदन किया जा रहा है, और दोस्तों आवेदन करने के बाद आप लिस्ट को कैसे निकाल सकते हैं, और लिस्ट निकालने के बाद दोस्तों कब तक आपको पैसा दिया जाएगा, जिसका दोस्तों हम आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स पहले ही बता दिए थे। लेकिन दोस्तों अब सवाल निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों किन किन राज्य के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है और किन किन राज्य के अंतर्गत लिस्ट को जारी कर दिया गया है और किन किन लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा, इसका कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएं। और इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिस्ट निकल कर आ चुका है। यहां पर आप लोगों को 2023-24 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे आइएगा, यहां पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आप पूरे भारत का मोड टारगेट को देख सकते हैं। यहाँ पर कितने लाभार्थियों का मोड टारगेट जारी कर दिया गया है और दोस्तों किन किन राज्य के अंतर्गत मोड टारगेट को जारी कर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख ले। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आसाम, और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा जम्मू कश्मीर, और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा मणिपुर, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा मेघालय, यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम, यहाँ पर आपको मिलेगा नागालैंड। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्किम, और इसके बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा त्रिपुरा। यहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ राज्य देखने को मिल जाएगा जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मोड टारगेट को जारी कर दिया गया है। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन राज्य के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का काम को शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आसाम के अंतर्गत काम को शुरू कर दिया गया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत काम शुरू कर दिया गया है, यहाँ पर मणिपुर के अंतर्गत अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम को शुरू नहीं किया गया है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेघालय के अंतर्गत दोस्तों काम को शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं कि किन किन राज्य के अंतर्गत काम को शुरू कर दिया गया है और किन किन राज्य के अंतर्गत अभी तक काम को शुरू नहीं किया गया है। और दोस्तों जिन जिन राज्य के अंतर्गत काम को शुरू कर दिया गया है, इन सभी राज्य के अंतर्गत दोस्तों लिस्ट भी निकल कर आ चुका है। इन सभी लाभार्थियों का दोस्तों लिस्ट निकल कर आ चुका है, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन राज्य के अंतर्गत पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों जिन सभी राज्य के अंतर्गत दोस्तों हाउस सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हाउस सेक्शन। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसाम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 6000 से भी ज्यादा लाभार्थियों का हाउस सेक्शन हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देख सकते हैं हाउस सेक्शन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऐसा बहुत सारे राज्य जहाँ पर दोस्तों हाउस सेक्शन का काम को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों हाउस सेक्शन का जैसे ही कंप्लीट किया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि किन किन राज्य के अंतर्गत दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और किन किन राज्य के अंतर्गत दोस्तों 2023-24 का लिस्ट को जारी कर दिया गया है और किन किन राज्य के अंतर्गत दोस्तों पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चल गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।